उत्तराखंड की सियासी परिवर्तन की खबरें जोरों पर हैं। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे थे। जनता के बीच भी रावत की बनती छवि से पार्टी को नुकसान होता दिख रहा था। इसके बाद अचानक ही राज्य की राजनीति में नया मोड़ आता दिख रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राज्य में अब तक सिर्फ कांग्रेस नेता एनडी तिवारी ही अकेले सीएम हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार कुछ दिनों बाद ही अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने वाली थी और उम्मीद थी कि रावत उत्तराखंड के पहले सीएम होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन अब उनके इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। रावत थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने वाले हैं और ये साफ है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। रावत की जगह सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर बीजेपी के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। फिलहाल सीएम पद की रेस में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही धन सिंह रावत का नाम भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। रावत के लिए मुश्किलों का दौर तभी शुरू हो गया था जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंचे और विधायकों की राय शुमारी दी। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि रावत की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे नेतृत्व के तौर पर उभर कर नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद से बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को देहरादून पहुंचने का निर्देश दिया गया और अब वो कुछ ही समय बाद राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, जहां वो उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद कल बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नए नेता का चयन होगा और विधायक दल जिसे अपना नेता चुनेगा वो राज्य का सीएम बनेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।